वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बल्कि यहाँ तक अर्ज करूं और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, जो भी आवाज निकलती है वो अल्लाह का जिक्र है। यानी आवाज आप यूं सुने या यूं सुने, वो अल्लाह का जिक्र है। एक एक जर्रा जर्रा कायनात का अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। लोग फरिश्तों की बात करते हैं, फरिश्ते तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ ही हैं, फरिश्ते तो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ ही हैं, लेकिन कायनात की कोई शय ऐसी नहीं। बल्कि जिन बुतों की लोग पूजा करते हैं, अगर उन बुतों के लिए लोगों के कान होते तो वो भी सुनते कि वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और वो उन पे लानत करते हैं कि लोगों हम तो उसे पूजते हैं और तुम गलती से हमें पूज रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने दीवानों, हर शय अल्लाह का जिक्र कर रही है, तो फिर अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह अकबर। रुकू करने वाले रुकू कर रहे हैं, फरिश्ते तो रुकू में हैं ही, लेकिन जितने चौपाए हैं वो सब रुकू के अंदर मौजूद है। सजदा करने वाले फरिश्ते सजदे में हैं ही, लेकिन जो चौपाए रेंग कर चलते हैं वो 24 घंटा सजदे में हैं। अल्लाह अकबर। कयाम करने वाले फरिश्ते कयाम तो किए हुए हैं, लेकिन ये जो दरख्त या वो जानवर जो आपको अल्लाह अकबर पूरे कद से खड़े हुए नजर आते हैं, वो सब हालत कयाम में हैं, पैदाइश से लेकर के मौत तक के। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को आखिर किस इबादत की जरूरत थी? इसलिए कि वो तो इबादतों से जरूरतों से पाक है, उसे किसी की जरूरत नहीं। फिर उसने क्यों कहा कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया? क्या उसकी इबादत ना हो रही थी? निकलता हुआ सूरज उसकी इबादत कर रहा है, डूबते हुए डूबता सूरज उसकी इबादत कर रहा है, खिलती हुई कलियां उसकी इबादत कर रही है, शफक का जमाल उसकी इबादत कर रहा है, उफक की सुर्खी उसकी इबादत कर रही है, सितारों की अंजुमन उसकी इबादत कर रही है, चौपाए उसकी इबादत में मसरूफ है, फरिश्ते उसकी इबादत में मसरूफ है, हत्ता के जंजीरें उसकी इबादत में मसरूफ है, छटकते हुए छत उसकी इबादत में मसरूफ है, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी इबादत में मसरूफ है। फिर क्यों क्यों अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और किस इबादत के लिए पैदा किया? और फिर एक बात अर्ज करूं, अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्ला लियाबुदुन, सिर्फ इबादत के लिए। इस इल्ला पर हम मरकज पर थोड़ा सा इशारा दे आए हैं कि जब इल्ला आता है सिर्फ, यानी सिर्फ, अब कोई दूसरा काम नहीं होगा, सिर्फ इबादत होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस इल्ला को आप यूं समझें, कुरान मुकद्दस ने कहा इल्ला लियाबुदुन, सिर्फ इबादत के लिए। यानी आप दूसरा काम करें तो मुजरिम हो जाएं, आप दूसरा काम करें तो गुनहगार हो जाएं, आप दूसरा काम करें तो पापी हो जाएं, क्योंकि कुरान कह रहा है इल्ला लियाबुदून, हमने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। आप इस इल्ला को यूं समझ सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी सिर्फ अल्लाह माबूद है। अल्लाह के सिवा एक जर्रे के बराबर भी और एक लम्हे के लिए भी आपने किसी को माबूद माना तो आप मुजरिम हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है इल्ला लियाबुदून, इंसान सिर्फ इबादत के लिए है। गोया के सोना अब पाप हो गया है, तवज्जो फरमाएं, सोना पाप हो गया है, बैठना पाप हो गया है, खड़े रहना पाप हो गया है, अल्लाह अकबर गुफ्तगू करना पाप हो गया है, अल्लाह अकबर किसी की शादी में जाना पाप हो गया है, शादी करना पाप हो गया है। यही तो आप मतलब लेंगे, इसलिए कि कुरान ने जो कहा इल्ला लियाबुदून, हमने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अगर तुम इबादत सिर्फ रुकू को समझते हो तब निकाह करना पाप होगा, अगर तुम इबादत सिर्फ कुरान की तिलावत को समझते हो तो फिर खड़े रहना, बैठना, सोना, जागना, ये सब जराइम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस इबादत के लिए तुझे पैदा किया वो तो 24 घंटे की इबादत है, लेकिन तुझे पता नहीं, इंसान तुझे मालूम नहीं अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया और किस इबादत के लिए पैदा किया। अगर इबादत का मकसद सिर्फ तेरे रुकू व सुजूद थे तो तुझसे बेहतर सुजूद और रुकू अल्लाह के फरिश्ते कर रहे थे, कि उनके रुकू के अंदर न बीवी का ख्याल था, ना बच्चों का, न दुकान का ख्याल था, ना मकान का, उनके दिलो दिमाग के अंदर कुछ नहीं थे। बल्कि अल्लाह अकबर, हम अगर नमाज पढ़ते भी हैं, जिनकी बहुत मोहतरम और मुकद्दस नमाजें हैं, उनकी नमाजों के अंदर मसाइल पर गुफ्तगू है, उनकी नमाजों के अंदर जो है वो मामलात पर गौर व खौस है, यही सारी चीजें तो है।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।